हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये है सैटरडे मॉर्निंग की क्लिप। तो आज है बेटी की छुट्टी, तो सुबह सुबह चाय बन रही है ब्रेकफास्ट की वजह। सबसे पहले मैं चाय पीऊंगी आज, और सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे बेटे का छुट्टी रहता है स्कूल में। और यहाँ जो चाय है मैं पकने के लिए बनने के लिए रख दी हूँ, और सबसे पहले मैं चाय पीऊंगी और उसके बाद क्या क्या करती हूँ दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ चाय बनने के बाद मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद जो मैंने मेहंदी होती है ना, हिना, मैं हिना लगाती हूँ बालों में, उसे मैं घोलूंगी। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी लूंगी मेहंदी को घोलने के लिए, हिना को गर्म में भी मैं हल्का गुनगुना लूंगी, इसे एकदम बॉयल नहीं करूंगी। बस अब मैं गैस का फ्लेम बंद करूंगी और इतनी गर्म पानी में मैं जो दो पैकेट होती है ना हिना वो लूंगी, और इसे जैसे मुझे थोड़ा सा लिक्विड साइड, ज़्यादा नहीं हल्की सी लिक्विड साइड मुझे इसे घोलना है। और घोलने के बाद हमें इसे तकरीबन एक घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी इसको। और ये मैं दो पैकेट ली थी, 10 रुपए वाली जो पैकेट आती है ना वो, ये इतनी क्वांटिटी थी, तो इतनी क्वांटिटी मेरे लिए कम थी। तो ये है नूपुर की हिना नेचुरल मेहंदी जो होती है बालों के लिए, तो ऐसी मैं दो पैकेट ली थी। और दोनों पैकेट को मैं हल्का गुनगुना पानी में इस तरह से घोल लूंगी। एक पैकेट तो मैं डाल चुकी हूँ और पानी भी उसमें ऐड कर दी हूँ, तो ऊपर से मुझे लगा कि कम है तो एक पैकेट मैं और उसमें ऐड कर दी हूँ। और अब पानी डालूंगी और कुछ देर के लिए उसे मैं सोख होने दूंगी, अराउंड 1 घंटे के लिए। तब मैं बता रही हूँ कि दो पैकेट मैं ली हूँ, तो इस तरह से मैं अभी घोल बनाऊंगी और घोल बना करके मैं छोड़ दूंगी 1 घंटे के लिए। और मैं इसमें कुछ भी नहीं मिला रही हूँ, जैसे बहुत लोग कॉफ़ी मिलाते हैं, चाय पत्ती का पानी मिलाते हैं, तो मैं कुछ भी इसमें मिलाने वाली नहीं हूँ। और इसी से जो कलर है ना काफ़ी अच्छी आएगी, और एक जो बाल होती है ना रफ सी वैसी नहीं होगी। और जब मैं लगा लूंगी तो उसके नेक्स्ट डे मैं शैम्पू करूंगी, उसी दिन मैं शैम्पू नहीं करूंगी, तो इसे मैं ढक करके और रख देती हूँ। और ये प्लास्टिक की लीड है और इस पर अच्छी फिट बैठती है, तो मैं इसमें रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जियां निकाल लूँ, जैसे कि पटल है, लौकी और पालक है, तो देखती हूँ क्या क्या बनेंगे आज। तो मैं पटल को पील करके रखी हूँ और वॉश करके रख दी हूँ। यहाँ पे मेरी चाय है और मेहंदी, यहाँ पे बज गया अब 7:30। तो मैं अराउंड 6:30 के उठी थी, और यहाँ मैं प्याज कट कर दी हूँ, और जो सब्जी है पटल आलू की सूखी सब्जी वो हस्बैंड बना रहे हैं। तो कढ़ाई में ऑयल लिए थे वो 2 टेबल स्पून, उसमें साबुत जीरा, हरी मिर्च और प्याज डाल करके हल्का सा भुनेंगे। ये मसाले में हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ी सी सब्जी मसाला डाल के पानी डाल करके भून करके रखे हैं, आलू कट करके रखे हैं। और यहाँ प्याज में उन्होंने नमक डाल दिया है ताकि जो प्याज हमारी ब्राउन हो जाए और वो गल भी जाए। और पटल को उन्होंने पहले ही हल्दी नमक डाल करके और भून करके रखा है, तो प्याज ब्राउन होने के बाद उन्होंने इसमें डाल दिया है। तो प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें आलू ऐड कर दिए हैं हम लोग, और आलू को भी भुनेंगे और नमक ऐड करेंगे आलू के हिसाब से। इसमें हमें ज़्यादा नमक नहीं डालने हैं क्योंकि जो हमारी सब्जी और ड्राई बनेगी, तो यहाँ पे उन्होंने मसाले को भी इसमें ऐड कर दिया। मसाले के साथ में इसे ढकते हुए भुनेंगे और जरूरत पड़ने पर थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करेंगे और इसे आलू को अच्छी तरह से गलाएंगे। तो यहाँ आप लीड लगा देंगे और लीड लगाते हुए आलू को अच्छे से हम लोग पका लेंगे। जब आलू लगी कि ड्राई ड्राई से भून चुकी है, तो इसमें हम लोग अब पटल ऐड करके रखेंगे जो हम लोगों ने भून करके रखा है, और इसे भी ढक करके पकाएंगे। थोड़ी बहुत 1-2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे जो मसाले हैं पटल में भी मिक्स हो जाए, और इसे ढकते हुए 2-3 मिनट पकाएंगे, उसका ढाई प्लेट पर भून देंगे और हमारी आलू पटल की सूखी सब्जी बन करके रेडी। आटा रोटी बनाऊंगी, और ये है सांभर रात वाली जो अभी खाएंगे हम लोग। और यहाँ तो सब्जी बन चुकी है जो कि हस्बैंड बनाए हैं आज, आलू पटल की सूखी सब्जी, और ये चावल हो चुका है, बर्तन धुल चुके हैं और सिंक क्लीन है। अब मैं रोटी बनाऊंगी, फिर नहा के खाना खाऊंगी, मतलब नाश्ता करूंगी। यह सैटरडे का मजा लिया जा रहा है दूध ब्रेड खा के। रैपर भी खा ले।
A few minutes later. तो यहाँ मैं इवनिंग में जो पालक की साग थी वो मैं अभी सब क्लीनिंग करने के लिए रखी हूँ, और दाल जो है ख़त्म हो गई थी तो अरहर दाल लाई थी, तो वो पैकेट वगैरह मैं इस तरह से डाल करके डब्बों में रख रही हूँ पैकेट को कट करके। और यहाँ जो है साग को मैं कुछ अभी छाट लूँगी, जो अच्छे साग के मतलब पत्ते सहित जो डंडी वगैरह हैं वो मैं पैक करके और फ्रिज में रख दूँगी ये टाइट डब्बे में। और जो कुछ मतलब छोटे छोटे से पत्ते हैं, और मतलब इस साग को मैं हाफ कर दूँगी 1 kg थी, और इसे मैं अभी दाल बनाऊँगी। तो इस तरह से धो लूँगी 3-4 पानी से अच्छे से साग को, और उसके बाद मैं कट करूँगी, क्योंकि अगर आप पहले ही साग को कट करके फिर धोते हो ना तो सारी न्यूट्रिशंस वगैरह जो है वो पानी में निकल जाती है। तो इसलिए हम लोग साग को अच्छे से पहले क्लीन कर लेंगे, जितने भी खराब पत्ते वगैरह हैं सब हटा देंगे हम लोग, इसमें से जड़ वगैरह इसमें जो भी थी हटा दी थी मैं पहले ही। उसके बाद मैं 2 हिस्सों में कर ली थी और सुबह के लिए अलग रख ली थी, और ये शाम को मैं साग अभी मिट्टी जो इसमें होती है ना इसे पानी में डिप करके रखने से मिट्टी सारी नीचे बैठ जाती है, और ये एक है एयरटाइट का डब्बा, तो इसी में डाल करके रख दूंगी अच्छे से 3-4 दिन, क्या अच्छे से 5-6 दिन तक रह जाएगी साग, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और कटहल थी, कटहल की जो बीज में जो हार्ड वाली जो इसकी ये होती है ना वाइट सी जो स्टेम, ये जल्दी पकती नहीं है, सींचती नहीं है, अगर सींच भी जाए ना तो आप जब खाओगे तो पेट में ना दर्द सी होती है, तो इसलिए मैं ये वाली पार्ट को बीच वाली पार्ट को निकाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं मसूर दाल और अरहर दाल ले रही हूँ, तो इसे मैं वॉश करूँगी पानी में सोख करके छोड़ दूंगी। The next day. तो यहाँ मैं सब्जी वगैरह कट करके रखी थी और किसी को खाने की इच्छा नहीं थी, दाल वगैरह सब मैं सूख करके रखी थी, सब फ्रिज में रख दी। साग को भी मैं वॉश करके पानी उसकी निकाल दी थी और उसे भी मैं फ्रिज में रख दी। और यहाँ आ गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, संडे की मॉर्निंग है ये, और सुबह सुबह यहाँ पे 6 बज चुके हैं, तो मैं चाय बनने के लिए रख दी हूँ, और मैं और हस्बैंड सुबह सुबह चाय पियेंगे। और बिल्कुल हल्की सी जो धूप होती है ना, येलो सी रेड रेड सी, तो वैसी धूप निकली थी, मैं एक बार देख कर आई थी बालकनी में, फिर हम और हस्बैंड छत पर गए चाय एंजॉय किए सुबह की मॉर्निंग। जो सुबह हम लोग उठते हैं तो थोड़ी बहुत जैसे बातें होती है, तो क्योंकि घर जाना था तो कुछ कुछ चीज़ें हैं अरेंज करनी है, कैसे क्या करना है, इन सबों पे बात, इधर उधर की बात, तो फिर घर वगैरह भी हम लोगों को लॉक करना रहता तो कौन सामान कैसे रखना है, कब क्या करना है। तो जो हमारी चाय बन गई है, अब मैं और हस्बैंड छत पर जाएंगे और चाय एंजॉय करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कि जो सुबह सुबह सूरज होती है ना कितनी सुंदर लग रही है, आप देखिएगा, और बिल्कुल ठंडी ठंडी सी मौसम थी एकदम। ये है सुबह सुबह सूरज जो एकदम हल्की हल्की सी धूप निकली थी, थोड़ा सा बादल सा भी मौसम लग रहा था, बट बादल था नहीं। 1 घंटे के बाद तो धूप बहुत तेज हो गई थी, अराउंड 7 बजे के। फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पिया, कुछ छत पे जो क्लीनिंग थोड़ा बहुत इधर उधर थी वो सब करके, उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए, और मैं यहाँ पे दाल जो रात को सोख करके रखी थी वहीं पे उसी में मैं नमक हल्दी डाली हूँ, और जो साग कट के नहीं रखी थी मैं अभी काटी हूँ इसे, इसे सिर्फ पानी में उतार के और फ्रिज में रख दी थी, और ये साग मैं उसमें डाली हूँ, और मैं विसल लगा दूँगी 2 विसल। उसके बाद मैं इसे लहसुन का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि पालक के साथ में लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ दाल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ अब कटहल की सब्जी, क्योंकि प्याज वगैरह भी मैं पील करके रखी थी, कटहल भी काट कर रखी थी वॉश करके, तो यहाँ पे मैं प्याज फटाफट से कट कर लूँगी, और 15-16 जो कली लहसुन की है वो भी मैं ग्रेट कर लूँगी और इसमें ऐड करूँगी। तो मैं कैसे सब्जी बनाती हूँ अभी आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं अनियन को स्लाइस कर ली हूँ, उसके बाद 15-16 कली लहसुन की रखी हूँ, उसे मैं ग्रेट कर लूँगी। यहाँ मैं लहसुन को भी फटाफट से ग्रेट कर लेती हूँ, तो प्याज कट चुकी है और लहसुन भी ग्रेट हो चुकी है यहाँ पर। फिर मैं इसमें 1 हरी मिर्च लूँगी और 1 टमाटो लूँगी, उसे मैं चॉप करके इसमें ऐड करूँगी। तो ये मैं वॉश करके रखी हूँ यहाँ पे, और कटहल जो थे वो पहले से ही कट करके धुल करके मैं फ्रिज में रखी थी, बस 1 घंटे पहले फ्रिज से निकाल दी थी। और ये 2 आलू ली, उसे भी पील करके थोड़ी बड़ी बड़ी सी मैं कट कर लूँगी, और हल्दी नमक डाल के मैं कटहल को भून ली हूँ। अब मैं इसमें जीरा डाली हूँ, मेथी डाली हूँ, और जो हरी मिर्च थी एक उसे मैं तोड़ करके डाल दी हूँ, और प्याज को मैं डाल के अच्छा ब्राउन कर लूँगी,
और इसमें मैं थोड़ी सी नमक भी ऐड करूँगी जिससे कि प्याज भी गल जाए और जो हमारी अनियन है वो ब्राउन भी हल्की सी हो जाए। तो इस तरह मैं ढकते हुए जो प्याज को है पका लूँगी, ब्राउन कर लूँगी, दो तीन बार ढकूँगी तो अच्छे से 2-3 मिनट में ही ये जो प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी। फिर मैं इसमें जो लहसुन को ग्रेट करके रखी थी वो इसमें ऐड करूँगी। तो यह प्याज ब्राउन हो चुकी है, तो उसमें प्याज और लहसुन ब्राउन हो चुकी है, भुन चुकी है, उसमें मैं आलू को ऐड करूँगी और इसे भी भूनूंगी। फिर इसमें मैं नमक भी ऐड करूँगी जिससे जो आलू है ना वो भी पके और जो आलू है वो भी गल जाए अच्छे से, नमक उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छे से भुनने के बाद इधर मैं चावल को भी चढ़ा दी हूँ जिससे कि हमारी जो चावल है वो भी फटाफट से बन जाए। तो चावल हार्डली और 5 से 6 मिनट में जो है बन जाएगी क्योंकि ये बॉयल हो रही है। तो इसे मैं हाफ ढकती हूँ क्योंकि जो पानी है ना उसका चावल का वो गिरता नहीं होता। मैं मसालों में हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, तीखी वाली और जो कलर वाली होती है शायद ख़त्म हो गई थी, तो मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाली हूँ, जीरा पाउडर डालूंगी, पहले जीरा पाउडर थी फिर धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार उसका मैं सब्जी मसाला थोड़ा सा ऐड करूंगी। और उसके बाद मैं ये जो चिकन मसाला हाफ पाउच एक पैकेट में था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चिकन मसाला डालने के बाद मैं इसे मिक्स करूंगी, उसके बाद मैं इसमें टमाटर को भी डाल करके अच्छे से भूनूंगी 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद कटहल को भी डाल करके मैं अच्छे से ढकते हुए भी 3 से 4 मिनट तक अच्छा सा भूनूंगी। और भून करके इसमें मैं जो ड्राई ड्राई सी हो जाएगी लगेगा कि जब आपको लगे कि कटहल आलू के साथ में अच्छे से भून चुकी है, फिर मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र करूंगी और इसी कढ़ाई में एक गिलास पानी गर्म करूंगी। जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है उस राउंड में कटहल में पानी ऐड कर दूंगी कुकर में और मैं इसे 2 बेसन लगा लूंगी और हमारी कटहल आलू की जो सब्जी है बन करके रेडी हो जाएगी। और गरम मसाला भी मैं ऐड की थी जब लास्ट में पानी वगैरह डाली थी उस टाइम पर। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, जो नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन से आप तक जरूर पहुँचे और नई नई वीडियो आप देख पाएँ। तो यह जो हमारी कटहल की सब्जी बनने वाली है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।